नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तंत्रीत और आप देख रहे हैं दुनिया तक। जिस तरीके से कोरोना की महामारी पूरी दुनिया भर में फैल गई है, तो आइए हम बात करते हैं दुनिया की टॉप 5 खबरों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपडेट से कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर किस तरह ढहरा है और पूरी दुनिया में करीब 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 12 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित है। इटली के बाद अब सबसे ज्यादा मौत ब्रिटेन में देखी गई। शनिवार को वहां पर कैलकुलेट किया गया तो पता चला करीब एक दिन में 806 मौत हुई थी। महामारी का प्रकोप जिस तरीके से दुनिया भर में फैल रहा है और जिस तरीके से इजाफा हो रहे हैं पूरे संक्रमण में, इससे लोगों में बहुत गुस्सा है और लोग जवाब चाहते हैं, लेकिन चीन जवाब देने को राजी नहीं है। इस पर हमने चर्चा करी यूएन एनवॉय सैयद अकबरुद्दीन से, जिन्होंने कहा कि चाइना को सामने आने की जरूरत है और जवाब देने की जरूरत है। वन सच ग्लोबल पब्लिक गुड व्हिच इज एसेंशियल फॉर ग्लोबलाइजेशन इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी इशू दैट हैज अ ग्लोबल इंपैक्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम फोन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से एक गुहार लगाई है। वो चाहते हैं कि इंडिया उन्हें एक दवाई इंपोर्ट करे जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ट्रंप से बात करने के बाद मोदी ने ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो से भी चर्चा करी और कहा इस महामारी से लड़ने के लिए हम साथ साथ हैं। साथ ही मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री से भी बात करी और कहा इस लड़ाई से हम मिलकर लड़ेंगे और हम हमेशा साथ हैं। WHO DG टेड्रोस एडेनॉम ने बताया कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रखा है, लेकिन इस पर एक नया मामला सामने आ रहा है घरेलू हिंसा का। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन होने पर घरेलू हिंसा के जो नंबर्स है वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो आज के दुनिया के टॉप 5 में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए आप दुनिया तक।